गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, 3 साल पहले 15 जुलाई को मैंने स्मोकिंग क्विट कर दिया था। मैंने स्मोकिंग आईआईटी के फाइनल ईयर में चालू किया था, विच वॉज 2000, और मैंने क्विट किया 2021 में। बीच में थोड़े थोड़े इंस्टेंसेस के लिए 6 महीने 1 साल टाइप के लिए किया, पर आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि मैंने 20 साल डेली 5 से 10 सिगरेट फूंकी। 20 साल डेली 5 से 10 सिगरेट फूंकी। अब आप अपने आसपास लोगों को जानते होंगे, आप ये समझते होंगे कि स्मोकिंग क्विट करना आसान नहीं है। जो आपके पास सिगरेट होती है, स्मोकिंग की दुनिया में जो लोग सिगरेट बनाते हैं उनकी दुनिया में उसे निकोटीन डिलीवरी डिवाइस बोला जाता है, और एक बार यदि किसी को आदत लग जाए तो यह माना जाता है कि वो नॉनस्टॉप सिगरेट पीता रहेगा और मामला सेट है। ठीक है, तो मैंने 3 साल पहले क्विट कर दिया। मैं आपको बताना चाहता था क्विकली मैंने कैसे क्विट किया। मैं आप सब लोगों को यह भी बोलना चाहता था कि आप जिस जर्नी पे हैं, इस वाले चैनल पे नीट एस्पिरेंट्स हैं, आप जिस जर्नी पे हैं, कोई ना कोई बुरी आदत आप में से काफी सारे लोगों को रोके हुए होगी आपकी पोटेंशियल रियलाइज करने में। आप सब में अथाह शक्ति है, आप सबके सब हनुमान हो, पर कोई ना कोई चीज आपको पकड़ के रखे हुए है, आगे नहीं जाने दे रही। तो उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप कौन सी गंदी आदत क्विट करेंगे। पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता था कि मैंने 3 साल पहले क्विट किया था। मैंने बहुत बार आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे भी बताया, बट आई वॉन्ट टू रिमाइंड एवरीवन एवरी ईयर ऑन 15 जुलाई, ऑन नियर अबाउट 15 जुलाई, दैट आई क्विट स्मोकिंग एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड अबाउट इट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सी खराब आदत क्विट करेंगे? तो मैंने यहां पे कुछ खराब आदतें लिखी है। एक जो चीज आप में से काफी सारे लोग को, हम सब लोग को परेशान करती है, वो है सोशल मीडिया टाइम। रील्स और शॉर्ट्स में सारा टाइम निकाल दिया, ठीक है, उसमें जब 2 घंटे खराब हो जाते हैं तो लगता है शिट यार क्या किया, ये पढ़ लेता, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता, ये कर लेता, सारा टाइम उसमें निकल गया, और ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि वी आर एडिक्टेड टू इट, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। दूसरी चीज, सामने वाले को कोई मतलब नहीं, और भैया जी एक तरफा प्यार है ना। तीसरी चीज, थ्योरी थ्योरी किए जा रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते, है ना, तो जहर है। मतलब ये 3, 4 और 5 ये तो नीट की तैयारी के लिए, इनफैक्ट सारी यहाँ पे नीट एस्पिरेंट्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम है, बट ये 3, 4, 5 टेस्ट ही नहीं लिख रहे, और फिर कहते हैं तैयारी में कॉन्फिडेंस नहीं आना, कोई डेली रूटीन नहीं है, कभी 8 बजे उठे, कभी 11 बजे उठ रहे हैं, कभी क्लास कर रहे हैं, कभी क्लास नहीं कर रहे, कभी पढ़ाई की कभी नहीं की, 4 दिन तक पढ़ाई नहीं की, फिर एक साथ 16 घंटे पढ़ाई की, बीमार पड़ गए, रूटीन नहीं है। होना ये चाहिए कि मैं, यदि आपका घर एक ग्लास का घर है, कांच का घर है, और मैं रोड के अक्रॉस बैठा हूँ, तो मैं देखूँ कि रोहित हर रोज़ सुबह 7 बजे उठता है, 8 बजे तक फ्रेशन अप होके हल्का फुल्का कुछ खा लेता है, उसके बाद पढ़ने बैठ जाता है, 2 घंटे पढ़ाई करता है, आधा घंटे का ब्रेक लेता है, फिर 1 घंटे पढ़ता है, फिर आधा घंटे का ब्रेक लेता है, फिर लंच करता है, आधा घंटे सोता है, उसके बाद उठता है, फिर अपनी क्लासेस करता है, क्लास के बाद अगर घर पे रिवाइज करता है, 1 घंटे वॉक पे चला जाता है, वापस आता है, कुछ पढ़ता है, उसके बाद डिनर करता है, फिर 2 घंटे पढ़ता है, सो जाता है। हर रोज़ 365 दिन तक देखता रहा, और 366वें दिन उसने नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सिंपल सा गेम है, इट इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर बॉडी टू अ सर्टेन टाइम। 4-5 दिन बाद सुबह 7 बजे के लिए आपको अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अपने आप नींद खुल जाएगी, है ना। तो ये मुझे कुछ चीजें समझ में आई, जो आदतें आपको इस समय पे रोके हुए हैं अपनी टॉप परफॉर्मेंस पे जाने में। मैं बताता हूं कि स्मोकिंग और फिर उसका कंपैरिजन जरा सोच लेंगे, और ऑब्वियसली मेरे पास सारी चीजों का जवाब नहीं है, हो सकता है आपको कुछ बेहतर तरीके बताओ। यदि आपने कोई गंदी आदत छोड़ी है, आप उसका एक्सपीरियंस भी वीडियो के नीचे लिख दीजिए। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन, और मेरे हिसाब से कुछ भी गंदी आदत छोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना जरूरी है। आप में से जितने भी लोग ये गंदी आदतें हैं और आप गरीब हैं, तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन तो वही है। आपको यदि बेहतर जिंदगी चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स को बेहतर जिंदगी देनी है, तो आप अपने साथ ये वाली बदतमीजियां नहीं मचा सकते, ठीक है। आप अमीर हैं पर आपको खुद का वजूद चाहिए, यू डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन योर फादर्स मनी, यू डोंट वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड एज गुप्ता जी का बेटा ऑल योर लाइफ, क्योंकि आपका खुद का कोई वजूद नहीं है,
तो भी आपके पास एक स्ट्रांग रीजन है। मेरा स्ट्रांग रीजन ये था कि कोविड के टाइम पे मैं स्मोकिंग तो बहुत टाइम से कर रहा था, कोविड के टाइम में मैं बालकनी में जाता था, बाहर तो निकल नहीं सकते थे, सुट्टा मारता था वापस अंदर आ जाता था। और फिर मुझे समझ में आने लगा कि मेरा बच्चा 2020 की बात है, ठीक है, तो मेरा बच्चा क्लास सिक्स में था, उसे समझ आ रहा है कि पापा स्मोक करते हैं। तो मुझे एक चीज जो खाई जा रही थी वो ये थी कि जब ये 11th में आएगा, आजकल के माहौल में तो सब कुछ अवेलेबल है आराम से, और जब ये सुट्टा मारेगा तो मेरे पास हक नहीं होगा इसे मना करने का। तो दैट वॉज माई स्ट्रांग रीजन, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा स्मोक करे। मैं दुनिया में किसी को नहीं जानता जो स्मोक करने के बाद खुश होता है। पहले 2-3 कश तलब होती है, 2-3 कश मारता है और उसके बाद लगता है शिट यार, सोचा था आदमी मारूंगा फिर मार रहा हूं सुट्टा, है ना। तो मेरे दिमाग में एक क्लियर था कि आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरे बच्चे के पास एक लेजिटिमेट रीजन हो, पापा आप तो सिगरेट पीते हो मुझे क्यों बोल रहे हो। तो दैट वॉज माई स्ट्रांग रीजन। आप अपना स्ट्रांग रीजन सोच लीजिए और वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। यदि आपका स्ट्रांग रीजन नहीं है तो 2-3 घंटे रहेगा, उसके बाद चीज हट जाएगी। तो स्ट्रांग रीजन आपको रोक देगा। मैंने एक दिन रोक दिया कि आज क्या सुट्टा नहीं मारूंगा, उसके बाद आज तक मैंने एक भी बार सिगरेट नहीं पिया 15 जुलाई 2021 के बाद। दूसरी चीज, अब जो आपने कर दिया, सिगरेट स्मोकिंग की बात करूं मैं तो 3-4 दिन बहुत बुरी हालत होती है, और उसके बाद 5वें, 6वें, 7वें दिन के बाद धीमे धीमे जो तलब है, जो आपको खींचती है चीज की मिल जाए, तो खत्म होना चालू हो जाती है। मैंने इस जगह पे जाके अपने बच्चे को बता दिया कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। पब्लिक अनाउंसमेंट, सब लोग जो मेरे आसपास थे, ऑफिस में थे, सबको बता दिया कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, क्योंकि 4-5 दिन के अंदर वो वाली चीज धीमे धीमे सबसाइड होना चालू हो जाती है। इफ यू आर एबल टू गो थ्रू इट, आप सारी हैबिट्स के साथ ये वाली प्रॉब्लम देखेंगे कि एकदम से गायब नहीं होंगी, थोड़ा आपको पेन देंगी पर आप खड़े रहेंगे, और उसके बाद एक बार वंस यू आर थ्रू इट और फिर आप ये वाली चीज़ कर देते हो, तो बहुत सारे लोग अब आपको टोकेंगे यदि मैं उसके बाद सिगरेट पीने जा रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, पर बार बार लोग रिमाइंड करते रहते थे, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अब क्यों पीना है, अब तो छोड़ दिया, अब रहने दे, जरूरत नहीं है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग योरसेल्फ आउट ऑफ अ बैड हैबिट। और उसके बाद फाइनली जो चीज़ है वो ये है कि आपको एक हैबिट डालनी पड़ेगी। मेरे केस में मुझे जो समझ में आया वो ये था, और मैंने लोगों से कुछ कुछ बात की थी, पर मुझे जो लार्जली समझ में आया वो ये है कि यदि मैं फिजिकली एक्टिव हूँ, यदि मेरी ब्रेथ है अच्छी खासी, ठीक है, थोड़ा मतलब जब आप वॉक करते हैं थोड़ी आपकी एनर्जी वगैरह हाई होती है, तो उस टाइम पर आपका सिगरेट पीने का मन नहीं करता। आप ये ट्राई करके देखिएगा, आपके फादर यदि स्मोक करते हैं उनको ये बताइए कि 3 किलोमीटर वॉक करिए, 3 किलोमीटर के एंड पे सिगरेट पीने की कोशिश करिए, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग इज लार्जली अबाउट आप पड़े हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो चलो बीच में ब्रेक लेने के लिए बाहर जाके सिगरेट पी लिया, फिर वापस आके काम करना चालू कर दिया। एज सून एज यू बिकम फिजिकली एक्टिव, तो ये हैबिट जिसने मेरी चीज़ को सस्टेन किया वो है वॉकिंग। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपके लिए वो हैबिट क्या है। डेफिनेटली इन 3 चीज़ों के लिए तो आपका स्ट्रांग रीज़न है कि आपको एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, आपका स्ट्रांग रीज़न है कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए बेहतर ज़िंदगी देनी है। उसके बाद जैसे ही आप MCQ प्रैक्टिस करना चालू करते हैं, जैसे ही आप मॉक टेस्ट लिखना चालू करते हैं, जैसे ही आपका रूटीन बन जाता है, मुझे बता दीजिए, अपने 10 दोस्तों को बता दीजिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, अनाउंस कर दीजिए। और उसके बाद रेगुलर चीज यही है, जब भी आपको लगे बोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यदि आपका उस टाइम पे फिजिक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा, बायो कर लीजिए और थोड़े टाइम बाद आके फिजिक्स से करना चालू कर दीजिएगा। बट यू विल स्लोली बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस। इन 2 चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसके बारे में आपको यूट्यूब पे होपफुली वीडियोज मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया टाइम को कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन सी स्पेसिफिक ऐप्स वगैरह होती है जिससे आप थोड़ा ट्रैक करना चालू कर दें, जिससे आपको आइडिया लगना चालू हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम, सबसे पहले तो अवेयरनेस तो हो कि मुझे लगता है मैं 15 मिनट टाइम स्पेंड करता हूँ, असलियत में 3 घंटे टाइम स्पेंड करता हूँ, असलियत में मेरे दिमाग में सारे टाइम सोशल मीडिया में क्या ढिंचक हो रहा होगा वही सब चलता रहता है। तो गाइस, दिस इज प्रीटी मच इट। मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता था, सबसे पहले मैंने 3 साल पहले स्मोकिंग क्विट की, इट इज़ नॉट ईजी, बट मैं 3 स्टेप्स के थ्रू गया एंड आई एम क्लीन। मैंने 15 जुलाई 2021 के बाद एक भी बार एक कश सिगरेट का नहीं लिया,
दूसरी चीज मैं ये चाहता हूं, यदि आपने कोई गंदी आदत छोड़ी है रिसेंटली, फॉर एग्जाम्पल इनमें से, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपने कौन सी गंदी आदत छोड़ी, और आपके 3 स्टेप्स या 4 स्टेप आप कौन से स्टेप्स के थ्रू गुजरे, और क्या आप अपने आप को उस गंदी आदत से बाहर रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे। और तीसरा, यदि आप कोई गंदी आदत छोड़ना चाहते हैं तो कौन सी गंदी आदत छोड़ना चाहते हैं, और क्या आप मुझे कमिट कर रहे हैं कि अगले 7 से 14 दिन में वो गंदी आदत छोड़ देंगे, मुझे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है बच्चों।